हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्रोशित तोरण पट्टी का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने व्हाइट और पिंक कलर का इस्तेमाल किया है। आपको जो भी कलर अच्छे लगते हैं वो आप लेके इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो फ्रेंड, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलना। इससे क्या होगा, मेरे जो भी नए नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, चलो डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहले हम सिंपल नॉट लगा के लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम 15 चेन बना के लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से। उसके बाद आगे हम 3 चेन बनाएंगे, और जो हमारी 15 नंबर की चेन है उसके ऊपर हम इस तरह से एक सिंपल क्रोशेट बनाए डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ तक सारे चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ तक सारे डबल क्रोशेट बना के लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे डबल क्रोशेट बना के लिए है। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, और टर्न करके आगे का जो डबल क्रोशेट है 2 नंबर का, इस डबल क्रोशेट को छोड़ के जो हमारा 3 नंबर का डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम इस तरह से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद उसके आगे के डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, और क्रोशेट को हुक पे लेके जो हमने पहले यहाँ पे एक डबल क्रोशेट था 2 नंबर का उसे छोड़ा था, उसके ऊपर हम इस तरह से 2, 3, 4 बार बनाने के बाद हमें इस सारे क्रोशेट से हुक को निकाल के यहाँ पे हमें नॉट नहीं लगानी। तो हमें आगे का एक डबल क्रोशेट छोड़ के, इस डबल क्रोशेट को छोड़ के आगे की 2 डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है इस तरह से। इस तरह से 2 डबल क्रोशेट बना के जो हमने बीच में यहाँ पे एक डबल क्रोशेट छोड़ा है उसके ऊपर हम इस तरह से 1, 2, 3, और 4 इस तरह से क्रोशेट हुक को लेके, उसके बाद फिर से आगे हमें
इस क्रोशेट को डबल क्रोशेट को छोड़ के आगे की दो डबल क्रोशेट के ऊपर दो डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से, और बीच में हमें एक डबल क्रोशेट छोड़ना है, उसके ऊपर हमें फिर से इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। चार इस तरह से, और इसे हुक को इस तरह से लेके हमें यहाँ पे कोई नॉट नहीं लगानी है, तो आगे हमें इस डबल क्रोशेट को छोड़ के आगे की दो डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। उसके बाद फिर से हमें उसी तरह से बीच में जो हमने यहाँ पे डबल क्रोशेट छोड़ा है उसके ऊपर हमें इस तरह से एक दो तीन और चार इस तरह से फोर बार बनाने के बाद फिर से हमें इस डबल क्रोशेट को छोड़ के आगे की दो डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरह से दो डबल क्रोशेट बनाने हैं, और जो हमने बीच में डबल क्रोशेट छोड़ा है उसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन तीन दो तीन और चार फोर बार बनाने के बाद हमें फिर से इसी तरह से बना के जो लास्ट में हमारा यहाँ पे एक डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम इस तरह से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद हम फिर से आगे थ्री चेन बना के लेंगे, टर्न करेंगे और टर्न करके आगे हम इसी तरह से सारे टोटल हमें 17 डबल क्रोशेट बना के लेने हैं यहाँ पे। फोर फाइव सिक्स सेवन इस तरह से उसके बाद हम फिर से थ्री चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे और जिस तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाई उसी तरह से हमें ऊपर भी इसी तरह से डिज़ाइन बनानी है। तो इसके लिए हमें
यहाँ पे दो नंबर के डबल क्रोशेट को छोड़ के आगे का तीन और चार नंबर के डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाने हैं इस तरह से, और जो हमने टू नंबर का डबल क्रोशेट छोड़ा था उसके ऊपर इस तरह से एक दो तीन और चार इस तरह से फोर बार क्रोशेट को लेके फिर से इस डबल क्रोशेट को छोड़ के आगे की टू डबल क्रोशेट के ऊपर इसी तरह से टू डबल क्रोशेट बनाने हैं और आगे टू थ्री फोर बार बनाने के बाद फिर से यहाँ पे इस डबल क्रोशेट को छोड़ के आगे की दो डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरह से दो डबल क्रोशेट बनाने हैं और इस डबल क्रोशेट के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बनानी है जिसे हमने छोड़ा था उस डबल क्रोशेट के ऊपर। इस तरह से और फिर से आगे की इस डबल क्रोशेट को छोड़ के दो डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट तो इसी तरह से हमें इस राउंड को भी पूरा करके लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इस राउंड को भी पूरा करके लिया है। अब हम यहाँ पे थ्री चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे, टर्न करके जिस तरह से हमने यहाँ पे डिज़ाइन बनाई सारे डबल क्रोशेट उसी तरह से हमें इस डिज़ाइन के ऊपर सारे डबल क्रोशेट बना के लेने हैं। तो फ्रेंड हमें इसी तरह से सारी पट्टी की डिज़ाइन बनानी है जिस तरह से हमने पहले डबल क्रोशेट बनाए फिर इस डिज़ाइन को फिर डबल क्रोशेट और फिर डिज़ाइन, इसी तरह से हमें सारे पट्टी पे डिज़ाइन बनानी है, कोई डिज़ाइन में चेंजेस नहीं करने हैं। तो आपके डोर के हिसाब से आप डिज़ाइन पट्टी की साइज़ बना के ले सकते हो और आप जो कलर पसंद है वो आप लेके इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो फ्रेंड बनाने के बाद डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगती है, मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ, आप भी ज़रूर बना के देखना। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने पूरी पट्टी की डिज़ाइन बना के ली है, तो हमारी डिज़ाइन इस तरह से दिखेगी। तो फ्रेंड आपके डोर के हिसाब से आप पट्टी की साइज डिज़ाइन बना के ले सकते हो। तो फ्रेंड चलो अब मैं आपको हम साइड से किस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड इसके लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर का इस्तेमाल किया है साइड से डिज़ाइन बनाने के लिए और पट्टी के लिए वाइट कलर का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड पहले हमने सिंपल नॉट लगा के थ्री चेन बनानी है, उसके बाद टू डबल क्रोशेट बनाने हैं, फिर से टू चेन आगे की इस डिज़ाइन को छोड़ के जो यहाँ पे हमने डबल क्रोशेट बनाया है उसके ऊपर हम इस तरह से थ्री डबल क्रोशेट बनाएंगे।
जो हमने यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बनाई उसे छोड़ के आगे जो हमने यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाए हैं उसके ऊपर हम इस तरह से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 2 चेन और बीच में इस डिज़ाइन को छोड़ के आगे फिर से उसी तरह से 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे। और 2 चेन इसी तरह से हमें पट्टी के सारे साइड से पूरी डिज़ाइन बना के लेनी है। फ्रेंड यहाँ पे मैंने पूरे पट्टी के साइड से डिज़ाइन बना के ली है यहाँ पे पिंक कलर से, तो हमारी पट्टी इस तरह से दिखेगी। तो फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच।